बृहस्पतिवार को सिविल लाइन स्थित आरएसडी स्कूल के इनरविल क्लब सेंटर डिस्ट्रिक्ट 310 के द्वारा पिछले 100 दिन से चल रही संस्कार शाला के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसडी स्कूल के चेयरमैन एवं एयरविल क्लब द्वारा निःशुल्क पाठ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्लब मेंबर द्वारा बताया गया कि पिछले 100 दिन से चल रही कार्यशाला में तकरीबन रोज 20 से 25 बच्चों को रोज पढ़ाई के लिए क्लासेस दी जाती हैं और कुपोषित बच्चों को रोज फल फ्रूट इत्यादि सामान मुहैया कराए जाते हैं। यह 3 जुलाई से चलाई गई क्लब द्वारा मुहिम आज पूर्ण हो गई है। इस मुहिम के लिए क्लब सदस्यों द्वारा 2 टीचर भी नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा दी और समाज में ऐसे बच्चे जो गरीब होने के कारण ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही खा पाते हैं, इसलिए क्लब द्वारा गरीब बच्चों और कुपोषित बच्चों के लिए 100 दिन का रोज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब बच्चों और कुपोषित बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बच्चों को समापन के दौरान ट्रैक सूट आदि वितरण की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेणु गुप्ता वंदना गुप्ता मौजूद रहे। क्लब के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि स्कूल के डायरेक्टर जी कुमार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इस कार्य के लिए जी कुमार द्वारा क्लासरूम भी निःशुल्क प्रदान किया गया और साथ ही बच्चों को पर्यावरण एवं स्वच्छता के बारे में अध्यापकों द्वारा बताया गया। इस अवसर पर अनुप्रिया सक्सेना, अंजू अग्रवाल, रूबल दोथी, प्राची अग्रवाल, मुस्कान अग्रवाल, प्रीति मोदी, अमिता महरोत्रा, पारुल खन्ना, डॉक्टर विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। सेंट्रल के आज यहाँ पर अडॉप्ट किया है स्कूल, इसके 100 डेज पूरे हुए हैं। इसमें ये 25-30 बच्चों को रोजाना यहाँ 2 से 4 आकर पढ़ाते हैं और उनको नैतिक शिक्षा भी देते हैं, व्यवहारिक शिक्षा देते हैं और उनको एडिकेट्स भी बताते हैं और प्रेयर याद करवाई है उनको, सबका अलग अलग वर्जन था। बहुत अच्छा लगा सुन के और ये एनर्जी सेंटर्स का बहुत नेक कार्य है और इसको एनर्जी स्कूल का नाम दिया गया है और ये रवि का सेवा मैं ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से देखें तो 100 दिन पहले जब आपके इस जगह की स्थापना हुई थी तो मैंने देखा उस समय इन बच्चों के व्यवहार में और आज के व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर है और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई नहीं कर सकता जितनी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से ये काम किया है। इन बच्चों को आपने वो आयाम दिए हैं जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा और ध्यान रखा जाए तो शायद आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मेरी आज यहाँ का देखने के बाद मेरे दिल में एक और इच्छा आई, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चाहें तो इन बच्चों का एक बहुत अच्छा मैं मेडिकल टेस्ट भी यहाँ करवा देता हूँ जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो आज आपने इनको वो रेड सूट्स दिए हैं तो अगर सब लोगों की इच्छा हो तो किसी भी संडे को या जब आप लोग चाहें इन बच्चों का एक बहुत अच्छा खेल कूद प्रतियोगिता भी हम आरएसडी कैंडल का ही इसी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बच्चों के भविष्य के लिए उनकी बहुत अच्छी मतलब कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों के सहारे से ये बच्चे बहुत अच्छा तरक्की करें और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल।